हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज वर्ब। जैसे हमने मेन जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था, उसके अंदर हमने 9 जो उसके अंदर सब टॉपिक्स थे, जैसे हमने प्रोनाउन और नाउन को डिस्कस किया है, तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब को। ठीक है, तो वर्ब जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। वर्ब के बिना आपका कोई भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होता। चाहे आप छोटे से छोटा सा सेंटेंस बोलेंगे तो भी वर्ब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स की वर्ब होती हैं, वर्ब का मीनिंग क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ वर्ब। तो वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया मीन्स कोई काम, एक्शन। तो वर्ब क्या होता है? ओके, तो वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट। स्टेट मीन्स अ सिचुएशन। तो वो कहता है वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो हमें क्या शो करता है? एक्शन, कि क्या एक्शन हो रहा है, कौन सा एक्शन जो है वो हम परफॉर्म कर रहे हैं और कौन सी, और स्टेट। स्टेट मीन्स द सिचुएशन। आपकी कोई सिचुएशन जो है इसके अंदर एक्शन आ सकता है, स्टेट आ सकती है, कोई प्रोसेस भी आ सकती है। एक्शन और प्रोसेस और स्टेट। ठीक है, स्टेट मींस कोई भी सिचुएशन हो। जैसे तो वर्ब क्या है? एक एक्शन है। आप शॉर्ट में कह सकते हैं वर्ब आर एक्शन वर्ड्स। कौन से वर्ड्स होते हैं? वर्ब आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं। एक्शन वर्ड्स होते हैं, एक तो आपकी प्रोसेस भी शो करता है और आपकी स्टेट जो है, दैट इज सिचुएशन जो है, वो भी आपकी शो करता है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि वर्ब क्या है। वर्ब वो वाले वर्ड्स होते हैं दैट शोज एन एक्शन, जो एक्शन को शो करते हैं, आपकी प्रोसेस को शो करते हैं, प्रोसेस बताते हैं, और आपकी सिचुएशन को शो करते हैं कि क्या सिचुएशन है, दैट इज द वर्ब। ओके, वैसे तो स्कूल्स में जो हम पढ़ाते हैं दैट इज द एक्शन वर्ड। हम स्कूल्स में इतना ही पढ़ाते हैं कि वर्ब जो है छोटे बच्चों को, कि वर्ब जो है वो एक्शन वर्ड्स होते हैं। जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, दैट इज द वर्ब। तो वैसे इसका पूरा जो डेफिनेशन होती है वो होती है वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, प्रोसेस और स्टेट। ओके, तो अब मैं इसकी एग्जाम्पल दूंगी। रन, रन जो है दैट इज द वर्ब। वॉक, वॉक जो है वो वर्ब है। अब मैं ऐसे लिख रही हूं कुकिंग, कुकिंग भी आपकी वर्ब होती है, लेकिन कुकिंग आपका प्रोसेस में आता है, दैट इज द प्रोसेस, दिस इज द आल्सो द वर्ब। और भी बहुत सारी एटेक्स्ट्रा, और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं, जैसे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तो आपको हर जो इसके अंदर सब टॉपिक्स टाइप्स आएंगे उसके अंदर हम एग्जांपल देंगे, तो आपको समझ आएंगे कि किस तरह की जो प्रोसेस है, स्टेट ऑफ बीइंग इसको बोलते हैं, एक्शन जो है वो आप समझेंगे। ठीक है, तो दिस इज द वर्ब। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये आपकी वर्ब्स हैं मेन टाइप्स। इसकी मेन वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आता है, आपका रेगुलर वर्ब है, इरेगुलर वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो दीज आर द 8 मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द वर्ब जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन सी वर्ब्स होती हैं और कैसे हम इनको यूज करते हैं और किस वर्ब को और क्या वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आपकी क्या है? वर्ब की इंपॉर्टेंट टाइप्स है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेन वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को।
फोर डिस्कस करेंगे, फोर जो होंगे वो कल डिस्कस करेंगे। तो अभी जो फोर हैं उसमें से फर्स्ट मैं मेन वर्ब को डिस्कस करने जा रही हूँ। फर्स्ट इज द मेन वर्ब। तो मेन वर्ब को हम और एक और नाम है मेन वर्ब का, दैट इज द प्रिंसिपल वर्ब। ओके, मेन वर्ब जो है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, प्रिंसिपल मींस मुख्य, जो मेन है, दैट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, की वर्ब है जो, मतलब मेन इंपॉर्टेंट वर्ब जो है, दैट इज द प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब मैं सेंटेंस बना रही हूं तभी आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द मेन वर्ब। एग्जाम्पल दे रही हूं, मेन वर्ब के अंदर जिसमें वर्ब जो है वो मेन एक्शन हो रहा हो, ठीक है, उसके अंदर एक ही जो वर्ब है वो मेन एक्शन शो हो रहा हो, दैट इज द मेन वर्ब। देखिए जैसे मैं लिख रही हूं, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूं, तो इसमें आपको पता है एक ही वर्ब है वही आपकी मेन वर्ब है, दैट इज द गो, मैं स्कूल जाती हूँ, तो गो इज द मेन वर्ब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब भी एक ही है और यही मेन जो है वो काम हो रहा है, जाना। ठीक है, दिस इज द मेन वर्ब। अब मैं अगर लिखूँ, ही इज गोइंग टू स्कूल, तो वॉट इज दिस, दिस इज द, वह स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है, तो इज यहाँ पे आपका मेन वर्ब क्या होगा, ऑफ कोर्स मेन वर्ब जो है वो गो है, गो के साथ हमने आई एन जी लगाया है, जैसे कि मैंने आपको टेंस में पढ़ाया था, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन रहा है, तो आई होप कि आपको लर्न होगा उसका रूल। सब्जेक्ट इज एम आर, इज लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका मेन वर्ब है गो, गो के साथ आई एन जी लगाया है, और इज योर हेल्पिंग वर्ब, जो कि हम इससे इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। इज आपका क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो देखो मेन वर्ब का काम क्या हो रहा है, मेन काम क्या हो रहा है, वो स्कूल जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, तो स्कूल क्या कर रहा है, वो जा रहा है, तो जाना इज द मेन एक्शन ना, आपका यहाँ मेन एक्शन क्या हो रहा है, जाना, दैट इज द मेन वर्ब। मेन वर्ब मीन्स मेन जो एक्शन आपके सेंटेंस में कहीं भी हो रहा है, दैट इज द मेन वर्ब। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इन दोनों सेंटेंस के कि व्हाट इज द मेन वर्ब और द प्रिंसिपल वर्ब। आप मेन वर्ब का दूसरा नाम भी प्रिंसिपल वर्ब होता है, चाहे प्रिंसिपल वर्ब लिखाओ चाहे मेन वर्ब लिखाओ, तो मीनिंग जो है दैट इज द सेम। ओके, तो सो सेकेंड हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स को हम और क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब, भी हम इनको कह सकते हैं। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब्स जो आपकी होती हैं वो आपके कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं, आपकी मेन जो इंपॉर्टेंट है दैट आर द 16 हेल्पिंग वर्ब्स। अब मैंने आपको टेंसेज में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, तो आई होप आपको रिमाइंड होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे आपका ये है, इज एम आर वॉज वर हैज हैव Had, will, shall, do, did, does, ये आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स। क्या है ये आपकी, दीज आर योर हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब्स होगी जिनको आप यूज करते हैं अपने सेंटेंस में। ठीक है, तो अब ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं,
अभी इनमें आप देख रहे होंगे कि इनको हमने टेंसेज में भी यूज किया था, और मैंने आपको बताया भी था कि दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स। इनका खुद का अगर आप देखोगे, इज का क्या मीनिंग है, खुद का है का कोई सेंटेंस बना सकते हो आप सिर्फ इज से? नो, दैट इज नॉट द, इनके हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो खुद में एक कंप्लीट मीनिंग नहीं बनाती है, इनका खुद में एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। ये सिर्फ आपको सेंटेंस की एक सेंस देने के लिए, एक हेल्पिंग वर्ब्स मीन सहायक, जो मदद करने वाली एक्शंस हैं उनकी, उनके इसलिए उनको हम यूज करते हैं। ये मदद करने वाली वर्ब्स हैं जिनको हम यूज करते हैं सेंटेंस में, टू कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसकी कंप्लीट सेंस बनाने के लिए। तो आपको ये कैसे यूज करना है मैं अभी आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपने टेंसेस में पहले ही पढ़ लिया है, तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ इसकी। दे आर प्लेइंग, आप क्रिकेट बोल सकते हैं, प्लेइंग इन द गार्डन बोल सकते हैं, प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, वो क्या कर रही हैं, प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो दे आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, तो दे आर प्लेइंग, मेन एक्शन मेन वर्ब आपका प्ले होगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, मेन एक्शन प्ले कर रहे हैं, और आर जो है दैट इज द हेल्पिंग वर्ब जो कि आप यूज कर रहे हैं अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ये डू डिड और यू डज होता है, ये हम आपको क्वेश्चनिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे डिड ही गो, क्या वो गया था, जैसे डू यू नो, क्या तुम जानते हो, डज से हम बना सकते हैं, डज ही नो, क्या वो जानता है। तो दैट इज द, आपको इस तरह से यूज करना है, ये सब आपको पता है, पहले ही आपने पढ़ चुके हैं आप टेंसेज में, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आप ऐसे यूज करते हैं आपके सेंटेंसेज में, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कि आपकी मदद करते हैं सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। जैसे ही, अब हेल्पिंग वर्ब हमें हमारा टेंस भी शो करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमें बताते हैं कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, या फ्यूचर की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हम इज एम आर यूज करेंगे तो दैट शोज द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की। अगर हम वॉज और वर यूज करते हैं तो दैट शोज द, क्या शो कर रहा है आपका, पास्ट वन, ठीक है। अगर हैज और हैव यूज हो रहा है दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो रहा है। अगर विल और शैल कर रहे हैं दैट शोज द फ्यूचर वन। एंड डू डिड, डू और डज करेंगे तो दैट आल्सो शोज द प्रेजेंट, एंड डिड करेंगे तो ये पास्ट को शो करेगा। तो आप, आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से कौन से टेंस सेंटेंस में कौन सा टेंस ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कैसे शो करते हैं। तो अगर देखिए आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं, तो दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर मैं लिखूं ही वॉज प्लेइंग, वो क्या करता है, खेल खेल रहा था, तो मैं कोई सिचुएशन बता रही हूँ, कोई बात कर रही हूँगी कि वो खेल रहा था गार्डन में, जब भी मैं गई जब मैंने उसको देखा तो ही वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। तो ये क्या है आपका, वॉज, दैट इज द हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो ये आपका पास्ट टेंस शो कर रहा है। इसी तरह से सारे हेल्पिंग वर्ब आपको शो करते हैं कि वो किस टेंस की बात हो रही है, तो दिस इज द हेल्पिंग वर्ब। अब थर्ड वन हम पढ़ेंगे, दैट इज द रेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर और इरेगुलर ये मैं आपको इकट्ठे ही पढ़ा दूंगी एक साइड पे करके। ये दिस वन इज योर रेगुलर एंड दिस इज योर इरेगुलर। ठीक है, अब देखिए रेगुलर वर्ब आपकी कौन सी होती है। रेगुलर वर्ब्स आर दोज वर्ब्स जो एंड में, क्या जो एंड में, हम जिनके एंड में वो पास्ट को बनाने के लिए, जब पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए या पास्ट बनाने के लिए हम उसको एंड में डी या ई डी लगाते हैं, ठीक है, पास्ट बनाने के लिए जिनके एंड में। लेकिन इरेगुलर में ऐसा नहीं है, इरेगुलर में हमें ई डी या डी लगाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे नो डी आर ई डी, यहाँ पे ये नहीं होता ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं बनेगा। अब मैं बताऊंगी कि किस तरीके से इसकी वो बनेगी। ये आपका एंड होता है डी से और ई डी से, जिस वर्ब का एंड करेंगे हम दैट इज द रेगुलर वर्ब। जैसे मैं बोलूंगी प्ले, तो प्ले की अगर हम सेकंड फॉर्म बोलेंगे दैट इज द पास्ट, दैट इज द प्लेयर्ड, प्लेयर्ड
और ये भी क्या होगी, थर्ड भी प्लेट, दिस इज द रेगुलर वर्ब. आप देख रहे हो ना, ED आया है, इसको हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं. अब मैं एक सिर्फ डी वाली बोलती हूँ. जैसे वॉक हो गया, तो वॉक्ड लिखते हैं, वॉक्ड. ये भी आपकी ई वाली होगी, तो ये ED एंड में लगा. दिस इज ऑल्सो द रेगुलर वर्ब, इ रेगुलर वर्ब. और लाइक का क्या आता है, लाइक्ड और लाइक. अब देखो यहाँ पे आपने ED एंड हुआ है, यहाँ पे सिर्फ D लगाया है तो एंड हुआ है. तो ये आपका क्या है, दीज आर योर रेगुलर वर्ब्स. द वर्ब्स विच एंड विद द, जिसके पास्ट में, ये आपका पास्ट है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है. तो जिसका हमने सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए जिस वर्ब के एंड में हमें ED या D लगाना पड़ता है, दैट आर योर रेगुलर वर्ब्स. ओके, तो अब इरेगुलर समझ लेते हैं. इरेगुलर क्या होते हैं? अब इरेगुलर तो मैंने आपको बताया, जिनके एंड में ना डी लगता है ना ED लगता है, लेकिन फिर भी उनका हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं. वो कैसे, जैसे डू, डिड, डन. डू, डिड, डन, दिस इज द पास्ट, दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल. गो, वेंट, गॉन, दिस इज द इरेगुलर वर्ब्स. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस टेंस का कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये इरेगुलर बनता है आपका, क्योंकि आप इसको ED या D नहीं लगा रहे हैं. ठीक है, आप ग्रो, ग्रीव, ग्राउंड, दिस इज ऑल्सो द इरेगुलर वर्ब्स. सॉरी, आई होप कि यू अंडरस्टैंड वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. वो वाली वर्ब्स जिनके एंड में हम ED या D लगाने से हम उनको पास्ट नहीं बना सकते, या थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म नहीं बना सकते, उसको हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब्स. रेगुलर वर्ब्स जो उसी वर्ड के आगे D या ED लगाने से हमारी वर्ब्स बन जाती हैं, दैट इज द रेगुलर वर्ब्स. तो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ वर्ब जो आज हमने दैट वी डिस्कस टूडे, जो आज हमने डिस्कस किया है. दैट फर्स्ट वन इज द मेन वर्ब, दैट इज द प्रिंसिपल. सेकेंड वन इज योअर हेल्पिंग वर्ब, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑक्सिलरी वर्ब. एंड थर्ड वन इज योअर रेगुलर वर्ब, एंड फोर्थ वन इज योअर इरेगुलर वर्ब. तो टूमोरो वी विल डिस्कस अबाउट द फोर वर्ब्स, जो रेस्ट में फोर वर्ब बच गई हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. तो आई होप गाइस कि यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ब एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्ब. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो. ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.